So, आप लोगों ने टाइटल वीडियो का पढ़ ही लिया होगा और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज योर होस्ट शरबाज नॉन एज इंडिया ऑन टू बीस। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो टाइटल के बिहाफ पे मतलब अपना व्हीकल तैयार है, पीछे खड़ा हुआ है। दिस इज XUV300WW6 वर्जन पेट्रोल वाला और दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 2021 एडिशन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का जो मतलब क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हैं कंपनी ने, और गाड़ी का हम लोग रिव्यू करेंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊंगा चला करके कि मुझे कैसी लग रही है गाड़ी चलाने में। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको गाड़ी। तो भाई गाड़ी कुछ मतलब देखने में इस तरीके की लग रही है, आपके सामने बिल्कुल खड़ी है। XUV300 और W6 वर्जन है ये वाला। बाकी कंपनी ने किस तरीके से इसके अंदर काम किया वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके आगे वाले लुक की। तो देखो मतलब इसमें कोई प्रोजेक्टर आपको नहीं मिलेगा W6 वर्जन में, बाकी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। नॉर्मल आपको लाइट मिलेगी हैलोजन वाली, और यहाँ पे कोई भी आपको LED या फिर आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब शोरूम से ही इंस्टॉल किया था। ये क्रोम गार्निश है, ये वाला पूरा क्रोम जो लगवा रखा है। नीचे का कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे शायद कुछ वाइट कलर का होता आधा पार्ट और तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। और चलते हैं इसकी दोनों साइड, ये भी सेम ही है एज यूजुअल। बोनट की अगर बात करें तो बोनट जिस तरीके से मतलब ये जो कटिंग्स है बोनट की, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बना रहा है बोनट को। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि गाड़ी को 5-स्टार रेटिंग दी गई है सेफ्टी के मामले में, तो गाड़ी जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है सेफ्टी के मामले में। तो बोनट उसी तरीके से हैवी रखा गया है। बोनट अगर मैं खोल के एक बारी चेक कर लेता हूँ कि क्या हैवी फील होता है, तो बोनट का जो वेट है ना वो भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब फील हो जाता है आपको कि अगर कभी इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर इम्पैक्ट हो गया तो आई एम श्योर कि वहाँ तक तो पूरा डैमेज नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से बोनट जितना हैवी है इसका। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर सबसे पहले मैं बात करूँ टायर्स की, तो टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 205x65R16 इंच का इसका टायर है। बाकी इसमें आपको यहाँ पे व्हील कप देखने को मिलेगा, कोई एलो व्हील नहीं मिलता है देखने के लिए। बाकी यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ये फिनिश, मड फ्लैपर इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं दिया जो एक एक्स्ट्रा लग करके आता है, दे देते तो शायद और अच्छा लगता। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर मतलब फेंडर लाइन पे, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है। ORVM पे जो LED इंडिकेटर्स आते हैं, मेरे हिसाब से W6 के अंदर ये शायद इंस्टॉल करना चाहिए था यार। मतलब क्या होता है ना, कोई भी व्हीकल की आप बात कर रहे हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, किसी में एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कहने के डिसएडवांटेज मुझे लगते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी शीशों का साइज़ देख ही लो, ठीक है, ये ऑटो फोल्डेड नहीं है, आफ्टर मार्केट आप इसको ऑटो फोल्डेड करा सकते हैं। रूफ पे ये जो हैंडल दिया है, ये एक अच्छा पॉइंट मेरे को गाड़ी के अंदर लगा। गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है ये ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पे गाड़ी के ऊपर। मतलब अगर आप कहीं लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो लगेज वगैरह बांधने के लिए बहुत अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है। पीछे की बात करें, ये यहाँ पे ये पियानो फिनिश इन लोगों ने यहाँ पे पियानो फिनिश दे दिया है। और पिलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लैक रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। इसके पीछे वाले लुक की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरे को लगा इस गाड़ी के अंदर वो है इसकी जो LED ये मतलब ब्रेक लाइट्स हैं, ये पूरा LED है। और जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी इंडिकेटर और बैक लाइट आपकी। शीशा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस गाड़ी के अंदर जो मेरे को फील हुआ, ये एक मतलब एक कॉमन फीचर है जो होना चाहिए था। यहाँ पे एक रियर वाइपर होना चाहिए था और एक डीफोगर। अगर रियर वाइपर नहीं होता तो एटलीस्ट डीफोगर तो होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड है, और कैमरा जो है वो शोरूम से ही मतलब फिट कराया है इन्होंने। और ये क्रोम वगैरह भी अलग से फिट कराया है। यहाँ पे आपको बाकी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं पीछे दोनों साइड में, और नीचे वाला जो पार्ट है ये ब्लैक है पूरा। बाकी सेम साइड लुक उधर भी है जैसा उधर था। अब सीधा चलते हैं इसकी बूट की तरफ और देखते हैं कि बूट का जो स्पेस है वो किस हिसाब से है। सो ये है बूट स्पेस इसका। वैसे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे आ रहा होगा कि बूट स्पेस का जो मतलब स्पेस है वो कितना लीटर है, उस हिसाब से आगे मतलब लेग रूम जो है ना वो ज़्यादा बेटर लगा। आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा चल के। यहाँ पे आपको तीनों के तीनों जो हेड एडजस्टेबल है वो मिल जाते हैं आपको, और पार्सल ट्रे नहीं है यहाँ पे कोई, वो आप अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं इसके अंदर। तो गाड़ी की जो चाबी है, सबसे पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे आपको अनलॉक का और मतलब अनलॉक का लॉक का बटन मिलता है, और ये गाड़ी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बटन मिलता है यहाँ पे। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और फटाफट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूँ, सो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ये फिनिश मिलता है, और मतलब डुअल टोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पीकर है यहाँ पे, और ये मतलब आपको डोर हैंडल्स जो है मतलब ये ब्लैक कलर का मिलेगा। अगर ये शायद क्रोम फिनिश होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पे कुछ आपको बटन्स मिल जाएंगे, ये ऑटो डाउन है, ऑटो ऑफ नहीं होगा इसमें, ये साइड के लिए और ये पीछे के लिए। यहाँ पे डोर लॉक है और यहाँ पे जो है विंडो लॉक है, ये आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना पड़ेगा। और बाकी ORVM को सेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको 2 बोतल होल्डर मिलते हैं जो मतलब अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। और आप चलते हैं गाड़ी के अंदर।
तो ये जो चीज़ थी ये आपको शायद साउंड सुनाई दिया होगा, मतलब यही चीज़ फील कराती है कि आप कितनी मतलब सेफेस्ट कार के अंदर बैठे हुए हो, ये जो साउंड है तो इसी चीज़ के हैं। मतलब ये XUV300 जो है उसी चीज़ पे ट्रेंड कर गई है। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्टेयरिंग की अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन म्यूट का, और ये आपका मतलब जो FM वगैरह चलाओगे उसके, और कुछ मोड मिलते हैं और फ़ोन उठाने के लिए। यहाँ पे कोई आपको मतलब कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, ये शायद आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह है उसके। यहाँ पे आपको लाइट के मतलब यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है। बाकी आपको नीचे से मतलब बोनट ओपन करने के लिए, और ये मैनुअल है जैसे कि, तो यहाँ पे आपको 6 गियर बॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि रिवर्स इसका आगे होगा, इसको ऊपर उठा कर कैसे। बाकी यहाँ पे दो का फोल्डर मिलते हैं, हैंड ब्रेक जो क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक अच्छा फीडबैक मेरे को इसके अंदर ये लगा कि यहाँ पे अगर क्लियर मतलब को राइडर आपके साथ में बैठा है, को ड्राइवर, तो वो भी अपना हाथ आराम से रख सकता है, मतलब इतना स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी ये मतलब नॉर्मल सही है, टच स्क्रीन है इसका, और मतलब एंड्रॉयड नहीं है और एप्पल कारप्ले नहीं है, अगर वो होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट ऑक्स मिल जाएगा, और नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा आपको। तो भाई ये बीच में एक शीशा है यहाँ पे, और ये दिया है यहाँ पे मतलब आप मतलब अपने गॉगल्स वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे लाइट ऑन करने के लिए आपको दोनों मिल जाते हैं ऑप्शन। और ये फिर सबसे अच्छा फीचर जो इस गाड़ी के अंदर जो सबसे मेन है, दैट इज़ सनरूफ। तो भाई ये रहा अपना सनरूफ गाड़ी का, बाकी इसको करते हैं वापस से बंद। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माइक, आपका फ़ोन अगर कनेक्टेड है आपकी कार से तो यहाँ पे आपका मतलब जो साउंड है वॉइस है वो सारा यहीं से डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक शीशा मिल जाता है मतलब साथ में, जो कि ड्राइवर साइड में बहुत ही कम कार के अंदर होता है। अच्छा ये एक अच्छा फीचर लगा, देखो ये ओपन किया तो लाइट ऊपर जल गई सी, सो एक अच्छा एडवांटेज है। यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, होता भी नहीं है वैसे ड्राइवर साइड में, और यहाँ पे भी सेम है, मतलब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर लाइट ऑन हो जाएगा, वहाँ पे एक आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है इधर। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ऑडोमीटर की, ये ऑन होता है तो किस तरीके से यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं किस तरीके से आती है। सो ये क्या अपन ने इग्निशन ऑन इसका, तो मतलब ये जो इसकी जो मतलब ये सुई जाती है ना ऊपर और नीचे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। बाकी ये अपन ने बंद किया, और बाकी अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो इसमें आपको टिल्ट मिल जाएगा, और टेलीस्कोपिक नहीं है इसके अंदर, ये वाला फीचर मिसिंग है मतलब टेलीस्कोपिक, बट ठीक है यार इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, टिल्ट है तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और यहाँ पे एक फीचर एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है तो यहाँ पे साथ में आपको एक ट्विटर भी मिल जाता है जो कि। चलते हैं पीछे, तो अभी जो सीट है ड्राइवर सीट ये 5-8 के हिसाब से सेट है, और अब पीछे चलते हैं और देखते हैं अपने को कितना स्पेस मिलता है। ये रहा भाई आपका पीछे वाला डोर, मतलब यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा, और ये मतलब लेदर नहीं है बट हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है इस पर। बाकी ये सेम मतलब डुअल टोन में है, क्रीम और अपना ब्लैक, और गाड़ी का कलर आपको पता ही है कि ये वाइट था। अब चलते हैं पीछे, और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो ये लेग रूम है ये काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, 5-8 के हिसाब से जो सीट है वो काफ़ी एडजस्ट थी, तो हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा खासा मतलब आगे स्पेस मिल जाता है कि अगर मैं रात को अगर मतलब कभी लॉन्ग रोड ट्रिप पर अगर सो जाऊँ पीछे बैठा बैठा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी। और थाई स्पेस जो है ये भी आपको अच्छे से मिल जाता है, मतलब सीट काफ़ी कंफर्टेबल है अगर देखा जाए। और अगर मैं ऊपर की हेडरूम की बात करूँ तो मतलब है फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि आप लग जाओगे सीधा सीधा, तो मतलब अच्छा है स्पेस, अच्छा खासा। बाकी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे तीन जो हैं आपको ये मिल जाते हैं, मतलब तीनों के तीनों हेडरेस्ट हैं, ये तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं। और बाकी बस एक डिसएडवांटेज पीछे कि यहाँ पे कोई भी इन्होंने मतलब रियर एसी नहीं दिया जो कि होना चाहिए था, या फिर रियर सॉकेट कोई दे देते मतलब चार्जिंग वगैरह के लिए। बाकी इधर भी सेम है, और तीन बंदे बहुत आराम से बैठ जाएंगे मेरे जैसे गाड़ी के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आपको सेंटर में एक लाइट मिल जाती है ये रही, बाकी दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे ये रहा, और पीछे से कुछ ऐसी है दिखने में। बाकी एक छोटा सा एक और टेस्ट कर लेते हैं कि देखो अभी सामने रवि भाई बैठे हुए हैं, सो पहले हाई बोल दो ऑडियंस को। और मतलब अभी रवि भाई को मैंने इसलिए बिठाया यहाँ पे कि इनकी जो हाइट है दैट इज 6 feet पूरा का पूरा, तो आप एक बार इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करो भाई, मैं इतना पे ही चला दूंगा। ठीक है ये आपके लिए परफेक्ट है, ये डन, आप पीछे आ जाओ एक बार। मेरी हाइट के लिए बताने का मतलब क्या है, अगर कोई 6 feet का बंदा आगे ड्राइव कर रहा है और 6 feet का बंदा पीछे बैठा है तो उसको कैसे मतलब उसको कंफर्टेबल फील होगा भी कि नहीं होगा। तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि पीछे, तो 6 feet के हिसाब से आगे की सीट एडजस्ट हो चुकी है और ये बैठ गए हैं रवि भाई पीछे।
भाई इतना स्पेस बच रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि फिट हो आप यहाँ पे, बिल्कुल सफिशिएंट, बहुत बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज़ हेड रूम का जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा इशू इसी चीज़ का होता है, मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ तो ये जो है ना, जब ब्रेकर वगैरह आता है तो यहाँ टकराता है सर, तो वो चीज़ वाले प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। मतलब 6 फीट के हिसाब से बंदा आगे बैठ जाएगा, 6 फीट का बंदा पीछे बैठा है, तो मतलब सफिशिएंट है, ओके है भाई। तो ये रहा भाई बोनट और ये रहा इंजन आपका। यहाँ पे आपको एक कवर मिल जाता है जो कि मतलब एक प्लस पॉइंट है गाड़ी के अंदर। और जो इंजन की स्पेसिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रही होगी। 1200 सीसी का इसका इंजन है, 6 ट्रांसमिशन मैनुअल के साथ में, और पेट्रोल वर्जन है ये W6 XUV300। सो एज पर मी गाड़ी को बिग थम्स अप है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेरे हिसाब से जो एक दो डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, स्पेस की अगर मैं बात करूँ, अगर उन लोगों के लिए जिनको बूट स्पेस कम लगता है, तो उसका एडवांटेज इन लोगों ने पीछे वाले रो में दिया है, जहाँ पे आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर 6 फीट का बंदा गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली पीछे 6 फीट का बंदा आराम से बैठ जाएगा। सो बिग थम्स अप फॉर XUV300। बाकी ऑनर ये रहे अपने साथ XUV300 के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, आपने गाड़ी परचेज की। और आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है गाड़ी? मेरे को ऑन रोड पड़ेगी भाई ये 11 लाख पूरी। तो 11 लाख रुपए की इनको ये मतलब गाड़ी पड़ी है, HR 26 गुड़गांव रजिस्ट्रेशन। और मतलब अच्छा बस ये बता दो आप कि आपने XUV300 ही चूज़ क्यों की, बस ये एक आंसर दे दो छोटा सा। अगर मैं बात करूं रेटिंग्स की, ग्लोबल सेगमेंट रेटिंग, बिल्कुल 5 स्टार सिर्फ इस गाड़ी के पास है, टाटा नेक्सन के पास भी पूरे 5 स्टार। सेकंड ड्राइविंग कम्फर्ट, इसका और टाटा नेक्सन का कंपेयर होता ही नहीं है, जो स्मूथनेस है, जो पावर है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ये करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस किया, आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, बहुत ज़्यादा स्मूथ, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि आप कोई बल्कि गाड़ी चला रहे हो। सो जो पैर रखते, जो पावर आता है गाड़ी का, या तो वो इसके अंदर आता है, सेकंड है इको स्पोर्ट जिसके अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर स्पेस कम है, स्पेशियस कम है इको स्पोर्ट, सिर्फ एक ये रीज़न था, नहीं तो इको स्पोर्ट एक ऑप्शन था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कंग्रेचुलेशन टू यू, और मतलब बेस्ट विशेज हमारी सबकी साइड से अमित भाई को। और मतलब अगर आपको और भी रिव्यूज़ देखने हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन या इको स्पोर्ट्स या कोई भी और गाड़ी हो, तो आप कमेंट डाउन, सो डू कमेंट डाउन बिलो। और बाकी लाइक दी वीडियो इफ़ यू रियली लव दिस वीडियो। बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं फटाफट से इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक बार की गाड़ी चलने में कैसी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मतलब गाड़ी चलाने में काफ़ी मतलब लाइट लग रही है, लेकिन गाड़ी है बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि गाड़ी में 5 रेटिंग जो है, मतलब पूरी की पूरी 5 रेटिंग दी गई है सेफ्टी के मामले में, तो गाड़ी ऑब्वियसली काफ़ी बल्कि है। और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा ही है ड्राइविंग के मामले में अगर बात करूँ। बाकी आगे चल ही रहे हैं, आप एक बार आगे का दिखाओगे, पूरी आगे का मतलब ये है कि पूरा बोनट दिखता है गाड़ी का, तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लस पॉइंट है गाड़ी का कि बोनट अगर आपको जिस भी व्हीकल का दिखेगा तो उसमें क्या है ना कि आपको पता लग जाएगा, कि अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आगे स्पेस है या कितना नहीं है। तो मतलब इस गाड़ी के अंदर जो एक सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है वो है सनरूफ। एक बार आप सनरूफ देख लो, तो ये फीचर है सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लगा XUV300 के अंदर, जो W6 ये वर्जन है जो हम अभी इसको ड्राइव कर रहे हैं, और चलाने में स्मूथ है। एक बार इसका मीटर दिखाओगे, मतलब जो इसका मीटर जिस तरीके से दे रखा है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब दोनों साइड आपको लाइट मिलती है, इधर भी और RPM की साइड भी आपको लाइट मिल जाएगी, जो मतलब रात को बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन देगा आपको ड्राइव करने के टाइम पे, और एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर देगा। बाकी हॉर्न भी ठीक है इसका, अभी अपन लोग हैं अकबर रोड के आसपास, हम लोग चल रहे हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं करोल बाग। सो करोल बाग में गाड़ी के अंदर कुछ काम होने वाला है मॉडिफिकेशन का, वो देखने को मिलेगा आपको रवि भाई के चैनल पे, रवि RS 200। और गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं मतलब इसके पिकअप की बात करूँ, तो पिकअप मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। मतलब जिस हिसाब से गाड़ी जितनी बड़ी है ना, उस हिसाब से पिकअप इसका उस तरीके का है जैसे आप कोई मतलब हैचबैक कार चला रहे हैं, लाइक पोलो वगैरह या फिर कोई और गाड़ी। तो मतलब बिग थम्स अप फॉर पिकअप एंड द पावर ऑफ दिस कार। हॉर्न अच्छा है नो डाउट, बाकी आगे का आप फील एंजॉय करो एक बार। गाड़ी ना पंच मतलब बहुत अच्छा दे रही है, मतलब थोड़ा भी एक्सलेट करते हो ना तो एकदम से RPM पूरा ऊपर जाता है यार, मतलब बहुत अच्छा फीडबैक है।
मेरे हिसाब से अभी मैं वैसे घर पे क्रेटा भी ड्राइव करता हूँ एंड ब्रेजा भी मैंने ड्राइव करी है, बट अगर आप लोगों को फीडबैक चाहिए उसका या रिव्यू चाहिए सो डू कमेंट बिलो, तो मैं आपको उसका मतलब एक रिव्यू बना के दिखा दूंगा, नेक्सॉन का भी रिव्यू बना दूंगा इफ़ यू वॉन्ट। बाकी कमेंट करके बता देना और ज़रूर से वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, मेहनत लगती है तो प्लीज़ बताना, और आपका क्या ओपिनियन है एक्सयूवी के लिए वो भी ज़रूर से बता देना कमेंट करके। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो बताना जरूर से वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज इंडिया ऑन टू व्हील्स, बाय बाय।